हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड यू आर वॉचिंग क्रेजी स्टडी ट्रिक्स। आज का सेशन जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो सभी सामाजिक सुधार अधिनियम है उन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। तो जितने भी हम सामाजिक सुधार अधिनियम हैं उनके वो किस वर्ष आए, प्लस उन्हें किस वाइसरॉय या फिर किस गवर्नर जनरल ने लाया, ये सारी चीज़ें जो है वो हम ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, शिशु वध पर प्रतिबंध जो है वो किस गवर्नर जनरल ने लगाया और किस वर्ष लगाया। तो देखिए, शिशु का वध करके क्या कर दिया जाता था, उसे जला दिया जाता था। तो शिशु वध को वध करने के बाद उसे जला दिया जाता था, तो जलाने से हम बनाएंगे वेलेजली। याद हो गया, शिशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया था, वेलेजली ने। अगला देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था, किसके साथ मिलके, राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके, राजा राम मोहन रॉय। तो सती प्रथा पर क्या कर दिया गया था, को बैन कर दिया गया था। किसने बैन किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और किस वर्ष किया था, इसे याद करेंगे हम कैसे। देखिए, हम दो लोगों को मानते, एक पति और एक पत्नी। तो सती प्रथा में होता क्या था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी, यानी पति नहीं रहा, ठीक है, तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी भी क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी। तो अब क्या रहे, दोनों नहीं रहे। तो दोनों नहीं रहे से हम बनाएंगे 1829, यानी 29। याद हो गया। अगला देखिए, दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो किसने लगाया था, किस गवर्नर जनरल ने, वो है एलन बरो। तो देखिए, जो दास होते थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, तो बुरा से एलन बरो। और जो मालिक होते थे वो खुद तो चार वक्त का खाना खाते थे, लेकिन जो दास को है वो सिर्फ 3 टाइम का खाना देते थे। क्लियर। तो 1843 ये वर्ष भी याद हो गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह को हम कैसे याद रखेंगे कि देखिए, जो विधवाएं होती थी ना, विधवा, उनसे कोई नहीं विवाह करना चाहता था, कोई नहीं विवाह करना चाहता था। तो कोई नहीं से हम बनाएंगे कैनिंग। और इनकेस अगर कोई करता भी था तो वो 5 से 6 लाख क्या मांगता था, दहेज मांगता था, ठीक है, क्या करता था, 5 से 6 लाख दहेज मांगता था। तो 1856 इसका वर्ष हो गया कि किस वर्ष जो है वो हिंदू विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ था। अगला देखिए, अगला है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो नॉर्थ ब्रुक ने लाया था, और किस वर्ष, 1872। तो इस टाइम क्या था, इस टाइम कौन सा पद आ गया था, वाइसरॉय। वाइसरॉय का पद जो है वो किस वर्ष आया था, किस वर्ष शुरू हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इसे याद करने के हम कैसे ट्रिक बनाएंगे, देखिए, नेटिव, नेटिव मतलब होता क्या है, नेटिव मतलब हम जानते हैं कि आपका जन्म स्थान है। कोई पूछता है आपसे कि आप कहाँ के नेटिव हैं, तो आपको कोई ना कोई डायरेक्शन बताते हैं या कोई ना कोई दिशा बताते हैं कि हाँ, मैं नॉर्थ से हूँ, हाँ मैं साउथ से हूँ, या ईस्ट से हूँ, या वेस्ट से हूँ। तो मैं नॉर्थ से हूँ सपोज, तो मैंने क्या बताया, नेटिव, मैं नॉर्थ की नेटिव हूँ। तो नॉर्थ से बनाएंगे नॉर्थ ब्रुक। और मेरा हाउस नंबर क्या है, एड्रेस बताएंगे कहाँ के नेटिव है। तो मेरा जो हाउस नंबर है वो 72 है, यानी 72 है। तो इससे क्या हो गया, ईयर हो गया। तो मैंने अपना डायरेक्शन भी बता दिया कि किस दिशा में मैं रहती हूँ, नॉर्थ में रहती हूँ, क्योंकि कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ की नेटिव हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, ठीक है, कहाँ मेरा जन्म स्थान है। तो मैं नॉर्थ की रहने वाली हूँ और मेरा हाउस नंबर क्या है, 72 है। मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में उसे बता दिया सपोज़। तो याद हो गया ये नेटिव मैरिज एक्ट। अगला देखिए, ये नेटिव मैरिज एक्ट में होता क्या था कि इसमें अंतर जाति विवाह होता था। हो गया। अगला देखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट, तो देखिए कंसेंट का मतलब क्या होता है, किसी की सहमति, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति है वो शादी करने के लिए किसी से कंसेंट मांग रहा है, यानी किसी से सहमति मांग रहा है, तो उसे हमेशा डाउन होके, मतलब हमेशा झुक के मांगना चाहिए, अकड़ के नहीं मांगना चाहिए, नहीं तो हमेशा क्या, नहीं तो सिंगल ही रह जाएगा। नहीं से 9 बनाएंगे, सिंगल से 1, ठीक है। तो किसी से भी अगर कंसेंट मांग रहा है तो हमेशा डाउन होके मांगना चाहिए, मतलब हमेशा थोड़ा झुक के मांगना चाहिए, विनम्र होके थोड़ा मांगना चाहिए, नहीं तो हमेशा सिंगल ही रह जाएगा, कोई उसे कंसेंट नहीं देगा, कोई उसे अनुमति नहीं देगा। हो गया ये भी यार। लास्ट देखिए, शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट जो है वो किसने लाया था, शुरू किया था, इरविन ने। तो देखिए, अगर शारदा माँ की आप पूजा करेंगे तो आप हमेशा, आपकी ही विन होगी। तो इरविन में, नाम में ही देखिए आ रहा है विन, क्लियर। और
किस वर्ष आया ये कैसे याद रखेंगे हम ध्यान रखेंगे? तो देखिए, अगर आप शारदा माँ की पूजा करेंगे तो आपके तीनों सब्जेक्ट में कभी भी जीरो नहीं आएंगे। सपोज तीन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो तीनों सब्जेक्ट में आप कभी भी जीरो नहीं आएंगे आपके मार्क्स, ठीक है? तो ये 1930 में याद हो गए। तो ये सभी जो थे सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में थे, जिसे हमने ट्रिक से याद करवा दिया। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आगरा में जो हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्या है कि जो आगरा में हाईकोर्ट स्थापित किया गया था उसे बाद में कहाँ इलाहाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट टाइम में हाईकोर्ट कहाँ है, वो इलाहाबाद में है, ठीक है? तो वो जो है आगरा से इलाहाबाद कब ट्रांसफ़र किया गया था, ये आपको ईयर बताना है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब आगरा में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी तो उस टाइम वाइसरॉय कौन था, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ये है कि जब आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफ़र किया गया था हाईकोर्ट को तो उस टाइम वाइसरॉय कौन था। ये आपको चार क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, प्लस मैंने आपसे एक पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि वाइसरॉय का जो पद था वो कब से शुरू किया गया था और पहला वाइसरॉय कौन था। तो इन सभी के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये पूरा वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियोज़ को या फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।